दोस्तों, पार्ट 14, मुफ्त ही मुफ्त। ये एक गुजराती लोक कथा पर आधारित है। और इसे पढ़े। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ, ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, छोटी सी प्रॉब्लम थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभू बेन से कहा। लाभू बेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभू बेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस थे। ये ज्यादा ही कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं मैं, क्या करूं। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया, ललचाया का मतलब होता है मन को ना रोक पाया, कि वे जल्दी घर वापस लौट कर लाबू बहन से बोले, अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ। पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं। जूते पहनकर, छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुंच गए। हे नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा। नारियल वाले ने कहा, 10। बस 2 रुपए में काका, बस 2 रुपए? भीखू ने आंखें फैलाकर कहा, बहुत ज्यादा है, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए सही दाम, ले लो या छोड़ दो। ठीक है ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए, मतलब अपने आप से बोले, अच्छा तो बताओ 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर जो मंडी है वहाँ शायद मिल जाए। तो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले और टहले का एक मौका है और रुपए भर की बचत भी हो जाएगी। खुशी से गुड़गुड़ाते भीखू भाई ने छड़ी को जमीन पर थपथपाया। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था। कोलाहल मतलब शोर। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी में कोई कुछ बेच रहा था, कोई कुछ बेच रहा था, तो उनकी आवाजें गूंज रही थी। बटाटा आलू, कांधा प्याज, गाजर गाजर गाजर, गोभी कोई गोभी। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? सिर्फ 1 रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया। जो चाहो ले ले जाओ जल्दी। शू छे भाई, इसका मतलब है क्या है? भीखू भाई ने कहा, ये क्या है, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपये मांग रहे हो? 50 पैसे में, 50 पैसे काफी हैं। मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला, माफ करो काका, 1 रुपये या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन भीखू भाई का निराश चेहरा देखकर बोला, बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 50 पैसे में मिल जाए। भीखू भाई अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचने लगे, आखिर 50 पैसे तो पूरे 50 पैसे हैं। वैसे भी मेरी टांगों में अभी अभी भी दम है। दम है मतलब जान है। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में से बड़ा सफेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था। उसने सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई 1 नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, यह तो काफी अच्छे दिखते हैं काका, यह पूरे। कोई पूछने वाली बात नहीं है, केवल 50 पैसे, नाव वाले ने कहा। 50 पैसे? भीखू भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए। हक्के बक्के हो गए मतलब आश्चर्यचकित हो गए।
इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ और तुम कहते हो 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं तुम्हें 25 पैसे में 25 पैसे दूंगा, 25 पैसे दूंगा, यह लो रख लो। ऐसा कहते हुए भिखू भाई झुक कर नारियल उठाने ही वाले थे। नारियल वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं। जब उसने भिखू भाई की ओर ध्यान से देखा तो जरा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ, वहां ढेर सारे मिल जाएंगे मनपसंद दाम में। भिखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे में तक ही जाने में क्या हर्ज है? हर्ज का मतलब नुकसान। सच बात तो यह है वे काफी थक चुके हैं, मगर 25 पैसे बचाने के ख्याल में उनमें फुर्ती आ गई, फुर्ती आ गई, तेजी आ गई। भिखू भाई ने सोचा, 2 गुना ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने बच जाएंगे। 4 आने मतलब 25 पैसे बच जाएंगे। और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहाँ मिलती है? भिखू भाई नारियल के बगीचे में पहुंच गए। वहां माली को देखकर उसने पूछा, यह नारियल कितने में बेचोगे? माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए ले जाओ काका, बस 25 पैसे का एक। देखो कितने बड़े बड़े हैं, हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए, पैर थक गए, और अब पैसे भी देने पड़ेंगे। मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भिखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त में चाहिए, तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है, पैसे तो मेरी मेहनत के हैं, सच जितना चाहूँ ले लूँ। भिखू भाई ने तो खुशी से फूले ना समाए, मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। उन्होंने जल्दी 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 पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत खुल गई। किस्मत खुल गई का मतलब भाग्य चमक गया, जितने नारियल चाहे तोड़ लूं और पैसे भी ना दूं, क्या बात है। भीखू भाई ऊपर पहुंच गए, फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। सबसे पहले नारियल को तोड़ने के लिए पैर फिसल गए। भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ पकड़ लिया, उन्होंने दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। पैसे नहीं खरीदना, नहीं बेचना और मदद नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ, भिखू भाई जोर जोर से बोलने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसे भिखू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। बस वह आदमी ऊंट की पीठ पर फिसल गया। अपनी जान बचाने के लिए उसने भिखू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों क्या करते? इतने में एक घुड़सवार आया। अरे संभालो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे, सुनो भाई, कोई बचा लो, बचाओ। घुड़सवार को देखकर भिखू भाई ने दुहाई दी, ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, हम 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर ऊँट खड़ा हुआ। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊँट से बेहतर है? हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही हैं। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला। उसने मालिक को ऊँट वाले के पैरों से लटकते हुए एक दो और, अब तीनों के तीनों झूलते रहे नारियल के पेड़ से। काका काका, कस के पकड़े रहे ना? हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा।
काका काका अब ऊंट वाले की बारी है, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल को छोड़ना छोड़ना नहीं। 100 और 200, बाप रे बाप, 300 रुपये। भीखू भाई का सिर चकरा गया, इतना इतना सारा पैसा। खुशी से उन्होंने अपने दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट। धड़ाम से तीनों जमीन पर गिरे, घुड़सवार, ऊंट वाला, भिखू भाई। भिखू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, बिल्कुल मुक्त। आओ दोस्तों, इसके पहले शब्द अर्थ कर लेते हैं। कसा, कसा का मतलब है बुरादा बनाया हुआ। ही ललचाना, मन को रोक ना पाना, बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना, दम जान, हक्का बक्का, आश्चर्यचकित रह जाना, हर्ष नुकसान, 4 आने 25 पैसे, खुशी से फूला ना समाना, अत्यधिक खुश होना, किस्मत खुल जाना, भाग्य चमकना। दोस्तों बच्चों से बोलो कि जो मैंने शब्द अर्थ बताए इनके वाक्य लिखे, वाक्य बनाए। आओ अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें। तुम्हारी समझ, हर बार भिखू भाई कम से कम दाम देना चाहते थे, क्यों? भिखू भाई कंजूस, कंजूसी स्वभाव के थे, इसी कारण वे कम से कम पैसा देना चाहते थे। हर जगह नारियल के दाम में फर्क क्यों था? इसका उत्तर देंगे, नारियल को बेचने के लिए लगने वाली जो मेहनत थी उसकी वजह से हर जगह दाम अलग अलग थे। क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला? क्यों? इसका उत्तर देंगे, हाँ, भीखू भाई को नारियल सच में बिल्कुल मुफ्त में ही मिला, क्योंकि उसने पेड़ पर चढ़ने के कारण ही नारियल पेड़ से उसके सिर पर गिर गया। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? इसका उत्तर देंगे, बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा व सालों पुराना होता है और उसकी लटकती जड़ एक बूढ़े व्यक्ति की दाढ़ी की जैसी नजर आती है, इसलिए बरगद को बूढ़ा पेड़ कहा गया होगा। भीखू भाई ऐसे थे। कहानी को पढ़कर तुम भीखू भाई के बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें लिखो, जैसे यहाँ लिखा है, उन्हें खाने पीने का शौक था, वो बहुत कंजूस था, वह लालची भी था, उसके हाथ में एक छड़ी रहती थी, वह चलने चलने से नहीं डरता था बिल्कुल भी। क्या बड़ा क्या घटा, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीजें बढ़ती हैं और कुछ चीजें घटती हैं, बताओ इसमें क्या हुआ, ये घटे या बढ़े? नारियल का दाम क्या हुआ? घटा, या फिल अप करेंगे। भीखू भाई का लालच बढ़ा, फिल अप करेंगे। रास्ते की लंबाई बढ़ी, फिल अप करेंगे। भीखू भाई की थकान बढ़ी। कहो कहानी, यदि इस कहानी में भीखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाओगे, बताओ? तो इसका उत्तर देंगे, उसको आम खाने की इच्छा होती, वो मुफ्त में आम खाने के लिए आम के बगीचे में पहुंच जाता। भीखू भाई आम के पेड़ पर चढ़ जाता और मुफ्त में आम तोड़ने लगता चढ़ते वक्त, और उसे लकड़ी कमजोर होती और वो नीचे गिर जाता, पर उसे मुफ्त में आम नहीं मिलता। बात की बात, कहानी में नारियल वाले भीखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो। अब इसे अपने घर की बोली में लिखो। पहले तो ये दोस्तों बच्चों को बोलो कि ये भीखू भाई की कहानी जो पढ़े, और फिर अपने ही शब्दों में घर में बैठ के लिखे। शब्दों की बात, नाना नानी, पतीली पतीला, ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह को सही शब्द लिखो। जैसे काका काकी, मालिन माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जिन, टोकरी टोकरा, गद्दा गद्दी।
मंडी, मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाजें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? मंडी में आलू, प्याज, गोभी, नारियल, केले, आम, अदरक आदि बिक रहा होगा। मंडी में तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे ताजा टमाटर 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाजें सुनाई देती होंगी? ऐसे इसका उत्तर देंगे, आम 100 रुपये का, 2.5 किलो, 2.5 किलो, प्याज 1 किलो, 1 किलो, जल्दी लो, जल्दी लो, इस तरह की आवाजें सुनाई देती होंगी। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। इसका उत्तर देंगे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मच्छी बाजार आदि में। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मच्छी बाजार, इसका पिछले का आंसर है, कहाँ गया? मच्छी बाजार, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, इसमें क्या होता है? बस कंडक्टर यात्रियों को जोर जोर से बुलाता है। आसपास की दुकानें और ठेले वाले भी आवाजें बहुत लगाते हैं। यात्री आपस में ही बात करते हैं, इस तरह की आवाजें होती हैं। गुजरात की झलक, मुफ्त ही मुफ्त, गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें यह अंदाजा लगा सकते हो? जैसे वहां की वेशभूषा, जूती, छड़ी, गमछा आदि से अंदाजा लगा सकते हैं। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू, हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता लगाओ और लिखो कि वे अपनी भाषा में किसी का आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, बंगाली में दादा, मराठी में भाऊ, पंजाबी में पाजी। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें।